आज हमने बनाया है रोज सिरप। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है, पानी, शक्कर और रोज इमल्शन। रोज सिरप को हम बहुत सारी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोज फालूदा, रोज फिरनी, रोज लस्सी, रोज चाइना ग्रास या फिर रोज शरबत। आप इसे आइसक्रीम या डेजर्ट पर ड्रिजल कर सकते हैं। रोज सिरप बनाकर हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। एक पैन में हम 2 कप शुगर ले लेंगे, 1 कप, 2 कप। इसमें हम सेम क्वांटिटी 2 कप पानी ऐड करेंगे। शुगर को भी मैंने ये कप से मेजर किया था, 2 कप, 2 कप शुगर, 2 कप पानी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और शुगर को अच्छे से डिसॉल्व करना है। पानी में बॉईल आ गया है, शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है, पर हम इसे और कुक करेंगे जब तक ये एक तार ना हो जाते। इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये रेडी है कि नहीं। हम हाथ पे थोड़ा सा लेके इस तरह से देख लेंगे, ये एक तार हो रहा है, आप देख सकते हैं, दैट मीन्स ये रेडी है। तो अब इसमें 1 टीस्पून हम रोज इमल्शन डाल देंगे। रोज इमल्शन डालने से हमें एसेंस और कलर अलग से नहीं डालना पड़ता है, इसमें दोनों होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एसेंस और कलर डाल सकते हैं, रोज़ कलर डालें और रोज एसेंस डालें। मैंने इसे 2 मिनट और कुक कर दिया, ये रेडी है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर दूंगी। रोज सिरप रेडी है तो अब हम इसे बॉटल में पोर कर देंगे। मैंने इसे ठंडा करने के बाद छान लिया था, इस तरह से आप बॉटल में भर के लंबे समय तक के स्टोर कर सकते हैं। अब हम इससे 2 तरह के शरबत तैयार करेंगे, एक दूध से और एक लेमन सोडे से। एक ग्लास में हम रोज सिरप डाल देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सब्ज़ा। मैंने सब्ज़े के बीज को थोड़े देर भिगो के रखा था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर इसमें हम चिल्ड मिल्क ऐड करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रोज मिल्क हमारा रेडी है। मैंने एक और ग्लास ले लिया है, इसमें हम रोज सिरप डाल देंगे। इसमें हम लेमन सोडा ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। रेडी है हमारा रोज सिरप और रोज सिरप से बनाए हुए 2 ड्रिंक्स। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।